चलिए देखते हैं शिवसेना ने अब किसे धमकी दी है। शिवसेना ने MIM को धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने बालाकोट में घुसकर मारा था आतंकियों को, उसी तरह शिवसेना भी MIM को नहीं बख्शेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि MIM जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा महाराष्ट्र में। आपको बताते हैं कि घटना शुरू कहां से होती है। शिवसेना औरंगाबाद लोकसभा सीट में हार का जिक्र कर रही थी। उसने बोला 30 साल तक उनका ये कब्जा बरकरार था और उन्होंने अपने पत्र मुखपत्र सामना में लिखते हुए कहा है कि अब वे किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी, खास तौर पर बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सामना पत्र में लिखते हुए उन्होंने ये सीधे सीधे धमकी दे डाली है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सक्षम है उसी तरह से शिवसेना भी सक्षम है। और कहा गया है कि हिंदुओं को गलत तरीके से पेश करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। औरंगाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव अजीब था, जब न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व की लहर थी, पर उस दौरान भी अलग नतीजे देखे गए। उस दौरान भी MIM ने वहां पर एंट्री मार ली थी।